मूवी की शुरुआत में हम मैथोस नाम के लड़के को देखते हैं। मैथोस एक ब्रोकर से मिलने के लिए जा रहा था। असल में ब्रोकर मैथोस के पास कुछ एंटिक चीजें खरीदने के लिए आया हुआ था और वो उसे फोन करके जल्द से जल्द घर पहुंचने के लिए कहता है। ब्रोकर को जैसे तैसे बहला फुसला कर मैथोस अपने घर पर रुकने के लिए कहता है और फिर मैथोस फटाफट घर की ओर जाने लगता है। मैथोस का घर काफी पुराना था, जिसे हाल फिलहाल में उसने बेच भी दिया था। घर की बाकी बची पुरानी चीजों को भी वो घर खाली करने से पहले बेचना चाहता था। इसी वजह से उसने ब्रोकर को घर पर बुलाया था। मैथोस ब्रोकर को एक बड़ी पुरानी पिस्टल दिखाता है। ये पिस्टल काफी पुरानी थी। साथ ही मैथोस के परदादा के अमल में उन्होंने इसे अंग्रेजों से उपहार के तौर में पाया था। थाईलैंड के सबसे नामचीन पिस्टल में से एक था ये। ब्रोकर को इस बात पर यकीन नहीं था, लेकिन अपने दादाजी की तस्वीर के साथ ये पिस्टल दिखाकर मैथोस ब्रोकर को अपनी बात पर यकीन दिलाता है। मैथोस इस पिस्टल की कीमत 15 लाख बताता है। वहीं ब्रोकर कहता है, 15 लाख क्या, मैं इसके लिए तुम्हें 18 से 20 लाख तक देने के लिए तैयार हूँ। तुम बस अभी मुझे ये पिस्टल सौंप दो। ये सुनते ही मैथोस बेहद खुश हो जाता है, किंतु बिना अपने घर के बड़ों से परमिशन लिए वो इतनी बेशकीमती चीज किसी को भी नहीं सौंप सकता था। इसलिए वो अपनी माँ की समाधि के पास जाकर उनसे इस बात की परमिशन लेता है। घर के बड़े बुजुर्ग काफी पहले ही मारे जा चुके थे। वहीं मैथोस अपने माँ के बेहद करीब था, इसलिए वो अपनी माँ से उनकी रजामंदी के लिए किसी तरह का सिग्नल मांगता है। और ठीक तभी चर्च की घंटी बजने लगती है और मैथोस को लगने लगता है कि रजामंदी के तौर पर उसकी माँ ने ही चर्च की बेल बजाई है। इसलिए वो फौरन पिस्टल लेकर बाहर आ जाता है, लेकिन एकदम से सूर्य ग्रहण लग जाता है और नीले आसमान में धीरे धीरे काले बादल छा जाते हैं, जिसके बाद खुद ब खुद पिस्टल से गोली चल जाती है और मैथोस एक अजीब सी दुनिया में आ जाता है। ये दुनिया अजीब जरूर थी, लेकिन मैथोस अपने समय से लगभग सालों पीछे आ चुका था, यानी कि वो टाइम ट्रैवल कर रहा था। और ये एक ऐसा समय है जिस दौरान चर्च में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। मैथोस ये बात अच्छी तरह से समझ चुका था कि पिस्टल के फायर होने की वजह से वो यहाँ आ पहुंचा, लेकिन दोबारा फायर करने पर, यहाँ तक कि बार बार फायर करने पर भी वो इस जगह से एक बूंद भी नहीं हिल पा रहा था। वो रास्ता ढूंढते ढूंढते आगे की ओर बढ़ता जाता है। अपने सामने नदी देखकर वो हैरान था, क्योंकि चीजें काफी ज्यादा बदली हुई नजर आ रही थी। दूसरी तरफ हम जेसन नामक एक लड़की को देखते हैं। जेसन न्यूज़पेपर में देखती है कि थाईलैंड के राजा एक छोटे शहर में युद्ध के लिए जहाज भेज रहे हैं और कुछ पैसे देते ही शहर को जहाज मिल जाएगी, जो कि शहर को जहाज की आवश्यकता थी। जेसन ये सारी बातें चर्च के फादर से कह रही थी, लेकिन फादर तो एक डायरी पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। काफी देर तक कोशिश करने के बाद वो जेसन को वो डायरी पढ़ने के लिए कहते हैं, जिस पर एक आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में लिखा था। वो आर्कियोलॉजिस्ट बताता है कि मैं टाइम ट्रैवल करके 2017 साल में होने के बावजूद भी 17 शताब्दी में पहुंच गया और मैं लेडी काराकेट नामक एक महिला के शरीर में हूँ। दूसरी तरफ हम बो नामक एक लड़के को देखते हैं, जो अपने सपने में लेडी काराकेट के सपने देख रहा था। यह महिला डायरी लिख रही थी और वो उनके ख्यालों में खोया हुआ था। सपने में वो काफी देर तक लेडी काराकेट को ताड़ता था, लेकिन जैसे ही ये बात काराकेट को पता चलती है, वो फौरन अपनी डायरी उससे छिपा लेती है। दोस्तों, आखिरकार ये लेडी काराकेट कौन है, ये हमें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। दोस्तों, वो हमेशा से ही लेडी काराकेट के सपने देखा करता था और सपने में देखे चेहरे को वो रियलिटी में बनाया करता था। एक दिन जब वो तस्वीर बना रहा था, ठीक तभी उसकी माँ उसे पुकारती है और उन दोनों के कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि वो की शादी होने वाली है, वो भी उस लड़की से जिसे वो अपना बनाना ही नहीं चाहता है, क्योंकि उसने कभी भी उस लड़की को देखा तक नहीं है। इसलिए वो की माँ वो को जैसे तैसे मना कर अपनी होने वाली बीवी से मीट करने के लिए उसके घर पर भेज देती है। वो अपने माता पिता और लड़की के माता पिता से कुछ बातें करने लगता है। दोस्तों, जिस लड़की के साथ वो की शादी तय हुई थी, असल में वो जेसन थी।
वही बातों बातों में वो कहने लगता है, सालों पहले हमारे माता पिता ने हमारी शादी बिना हमारी मर्जी जाने तय कर दी थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं ये रिश्ता आज ही तोड़ रहा हूँ। ये सुनते ही सभी हैरान रह जाते हैं। अब सीन एकदम से शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि वो बेहद खुशी से एक नाटक देखने के लिए जा रहा है, जो कि वो शादी तोड़कर बेहद खुश था। ये नाटक देखने के लिए जेसन भी अपनी दोस्त के साथ वहां पर आई हुई थी। वो को नाटक देखकर काफी मजा आ रहा था। वहीं जेसन अपनी दोस्त से कहने लगती है, इन सब चीजों से अच्छा है हमें दुनिया में क्या हो रहा है इन खबरों के बारे में जानना चाहिए। जेसन की दोस्त का कहना था, खबरें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन ऐसा नाटक दोबारा नहीं आएगा। वो दोनों नाटक अच्छा है या बुरा है, क्या चीज देखना चाहिए और किस बारे में हमें जानना चाहिए, इन्हीं चीजों को लेकर दोनों झगड़ रही थी। वो को इस वजह से काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए वो उन दोनों को शांत रहने के लिए ऊंची आवाज में कह देता है। वो की आवाज सुनते ही जेसन को गुस्सा आ जाता है और वो पीछे घूमती है। जेसन के पीछे घूमते ही वो हैरान रह जाता है, क्योंकि जेसन ही वो लड़की है जिसके सपने वो देखता है और मन ही मन वो उसे चाहता है। जेसन गुस्से में थी, इसलिए वो ज्यादा कुछ ना बोलकर अपने दोस्त के साथ नाटक से उठकर जाने लगती है, लेकिन वो फौरन जाकर जेसन को रोकने की कोशिश करता है। जेसन वो को खुद से दूर रहने के लिए कहती है, क्योंकि उसकी शादी ठीक हो चुकी थी। साथ ही लड़के का परिचय जानने के बाद वो समझ पाता है कि जेसन ही वो लड़की है जिसके साथ उसकी शादी ठीक हुई थी। वो जेसन को बताता है कि उसका नाम बो है और उसी के साथ उसकी शादी ठीक हुई थी, लेकिन सुबह के इंसिडेंट के बाद उन दोनों की शादी टूट गई है, जो कि सुबह बो ने जेसन के माता पिता से उस लड़की की बात की थी जिसे वो मन ही मन चाहता है। हालांकि पहले उसे नहीं पता था कि वो लड़की जेसन ही है। लड़की के बारे में जानते ही जेसन के माता पिता के साथ बो के माता पिता झगड़ने लगते हैं और अंत में शादी टूट जाती है। इस इंसिडेंट के बारे में जानने के बाद जेसन बो से हंसते हुए कहती है, आप क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी में आप शायद खुद भी ये नहीं जानते हैं, लेकिन ऊपर वाला आपके साथ नहीं है शायद। ये कहकर जेसन वहां से चली जाती है। और अब रात का सीन दिखाया जाता है। रात के समय वो अपने मामा जी से मिलने के लिए आया हुआ था। बो के मामा जी को मैजिक करना आता था, इसलिए वो उनसे मदद लेकर जेसन को वापस पाना चाहता था, वो भी कुछ साल पहले के समय में जाकर सब कुछ ठीक करके। बो के मामा जी उससे कहते हैं कि अगर तुम्हारी किस्मत में रहा फिर तुम्हें वो जरूर मिलेगी। ये कहते ही सीन शिफ्ट हो जाता है। जेसन नए जहाज को देखने के लिए अपनी दोस्त के साथ जा रही थी। वो इस दौरान इन दोनों का पीछा कर रहा था। जेसन नहीं चाहती थी कि वो उन दोनों का पीछा करे, इसलिए अपनी दोस्त के कहने पर जेसन अपने दोस्त के साथ झगड़ते हुए उसे बुरी तरह से मारने लगती है, जिससे कि वो को जेसन का व्यवहार पसंद ना आए और वो उसका पीछा करना छोड़ दे। जेसन की दोस्त का ये प्लान काम नहीं करता है, उल्टा बदले में उसे बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। कुछ देर बाद जेसन शिप तक पहुंच जाती है और वो खुशी से शिप देखने लगती है। शिप देखते देखते वो इतनी खो जाती है कि उसका पैर फिसल जाता है, लेकिन उसे बचाने के लिए वो फौरन उसके पास पहुंचता है। वो को बचाने से पहले ही एक आदमी जेसन को बचा लेता है, लेकिन फ्लो में वो सीधा पानी में गिर जाता है। दोस्तों, जेसन को बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि मैथोस था, जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। जेसन को बचाते बचाते मैथोस को चोट लग जाती है और जेसन मैथोस की पट्टी कर देती है, जिसे देख बो को काफी ज्यादा जलन हो रही थी। कुछ देर बाद मैथोस अपनी पिस्टल ढूंढने लगता है। मैथोस की पिस्टल बो के पास थी, लेकिन उसे वो पिस्टल देने से पहले बो मैथोस से पूछता है, ये पिस्टल तुम्हें कहाँ से मिली? मैथोस बताता है कि पिछले 3 साल से वो हंटर की ब्रिटिश कंपनी में काम करता है। उसके अच्छे काम और अच्छी इंग्लिश की वजह से उसे ये पिस्टल उपहार के तौर पर मिली है। वो को उस पर यकीन नहीं था, तो मैथोस इंग्लिश में बात करने लगता है। वो को इंग्लिश समझ नहीं आती थी, लेकिन शहर में जेसन ही एक ऐसी लड़की थी जिसे इंग्लिश आती थी। जेसन मैथोस की इंग्लिश जानने की बात पर सहमति देती है, लेकिन वो को अब भी उस पर शक था,
इसलिए वो उसकी बंदूक अपने साथ ले जाता है। साथ ही बो को उसके पास से सेल फोन मिलता है जिसे वो एक वेपन की तरह समझता है और बस वो उसे बंदी बना लेता है। जेसन जानती थी कि मैथोस एक अच्छा इंसान है, साथ ही वो मैथोस से कहती है कि बो तुम्हें जल्द ही छोड़ देगा। इसके अलावा बो के पास से बंदूक लाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और बस अगली सुबह होते ही वो बो के घर पर जाकर बो की माँ को शराब पिलाकर बो के कमरे में घुस जाती है। इस दौरान बो घर पर नहीं था और उसकी गैर मौजूदगी में जेसन कमरे की तलाशी लेने लगती है। कमरे में उसे अपनी तस्वीर और बिस्तर के नीचे एक पिस्टल मिलती है। इस वक्त तक बो घर पहुंच चुका था। बो को कमरे में देखकर जेसन उसकी ओर पिस्टल तान देती है। बो उसे बताता है कि इसमें गोली नहीं है क्योंकि ये पिस्टल मेरी है। जेसन बो से रिक्वेस्ट करती है कि उसे मैथोस की पिस्टल लौटा देनी चाहिए। अब एकदम से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम बो जेसन और मैथोस को चर्च में देखते हैं। जेसन बताती है कि कोई इंसान टाइम ट्रैवल करके हमारी दुनिया में आया था और उसने फ्यूचर से जुड़ी काफी बातें डायरी में लिखी है। ये सुनते ही मैथोस उन सभी को बताता है कि मैं खुद भी टाइम ट्रैवल करके इस दुनिया में आया हूँ। मैं पिस्टल के माध्यम से यहाँ आ पहुँचा और मुझे देखते ही सभी मुझे ब्रिटिश समझकर मिस्टर हंटर के ब्रिटिश फैक्ट्री में जाने के लिए सबने मुझसे कह दिया। वहाँ पहुंचकर मैंने सबसे बात करने की कोशिश की। सभी ने मेरी इंग्लिश सुनकर मुझे ब्रिटिश फैक्ट्री में काम दे दिया और तब से लेकर मैं वही काम कर रहा हूँ। मैंने काफी बार पिस्टल को चलाकर अपने समय में वापस लौटने की कोशिश की लेकिन सूर्य ग्रहण के अलावा ये पिस्टल काम नहीं करती है क्योंकि जब मैं यहाँ आया था तब भी सूर्य ग्रहण था। सूर्य ग्रहण के बारे में जानकारी देने के लिए जेसन मैथोस को चर्च के फादर से मिलाती है। फादर बताते हैं कि अगला सूर्य ग्रहण 2 महीने बाद का है लेकिन काफी कम समय के लिए। ये सुन मैथोस बेहद खुश हो जाता है। वहीं जेसन डायरी के बारे में सोच रही थी कि वो मैथोस से डायरी पढ़वाकर डायरी में लिखी गई सारी बातें जानने की कोशिश करेगी जिससे कि उसे भविष्य के बारे में काफी कुछ पता चल सके, लेकिन चर्च के फादर उसे ऐसा करने से मना करके डायरी बॉक्स में भर कर रख कर आने के लिए कहते हैं। अगले सीन में जेसन के पिता और वो राजा के सेक्रेटरी से जहाज के खरीदने की बात कर रहे थे जो कि इस जहाज को खरीदना उन सभी के लिए काफी ज्यादा जरूरी था। सेक्रेटरी सभी को राजा से मिल पाते हैं लेकिन राजा ये जहाज खरीदने से मना कर देते हैं क्योंकि उनका मानना था स्टील के जहाज पानी में तैरते नहीं है। ये सुन मिस्टर हंटर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि ये जहाज सहायता के लिए वो शहर में लेकर आए थे। राजा की बातों से मिस्टर हंटर गुस्से में वहां से जाने लगते हैं लेकिन वो उन्हें समझाता है कि जल्द से जल्द वो राजा को जहाज की एक डेमो देकर राजा से जहाज खरीदवा लेंगे जो कि ये शहर की जरूरत है। वो डेमो की तैयारी में व्यस्त था। वहीं इस दौरान मैथोस को जेसन के साथ देख वो काफी ज्यादा जेलस भी हो रहा था। वो को जेलस देख मैथोस उसे समझाता है कि मैं तुम दोनों के बीच में कभी नहीं आऊंगा क्योंकि 2 महीने बाद मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। साथ ही मैथोस और बो अच्छे दोस्त बनने लगते हैं और धीरे धीरे मैथोस बो को जेसन के सामने कूल दिखने के लिए कई सारे टिप्स भी देने लगता है। बो डेमो के लिए जहाज तैयार कर रहा था और इस एक्टिविटी में जेसन भी मैथोस और बो का साथ दे रही थी क्योंकि जहाज खरीदना शहर के लिए काफी जरूरी है। इस बीच बो मैथोस के कहे मुताबिक जेसन को इम्प्रेस करने में भी लगा हुआ था लेकिन मैथोस की एक भी ट्रिक काम नहीं कर रही थी। उल्टा इन चीजों से जेसन बेहद ज्यादा इरिटेट होने लगी थी। इस बीच एक दिन मैथोस के कहे मुताबिक वो जेसन से कहता है कि वो किसी लड़की के साथ डेट पर जाने वाला है। ये बात सुन जेसन को फर्क नहीं पड़ रहा था और इस बात से वो का चेहरा देखने लायक था। वहीं इसके ठीक कुछ देर बाद जेसन अपने हाथों से मैथोस को खाना खिला देती है क्योंकि डेमो बनाने के चक्कर में उसके हाथ काफी ज्यादा गंदे हो चुके थे और काफी समय से वो खाना नहीं खा पा रहा था। इस वजह से वो बेहद जेलस हो रहा था
अब कुछ देर बाद वो जहाज के ट्रायल के लिए जहाज को चालू करता है, लेकिन कुछ फॉल्ट की वजह से जहाज फट जाता है और ये तीनों नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। सब ठीक थे, लेकिन बो के बीच से एक तीर जैसी लकड़ी घुस गई थी, जिसकी वजह से उसे उस इंजर्ड जगह पर सिलवाना पड़ता है। बो की इंजरी देख मैथोस बेहोश हो जाता है। अब डॉक्टर के आते ही बो डॉक्टर से कहने लगते हैं कि वो खुश है क्योंकि जैसन सेफ है और उसे किसी तरह की चोट नहीं लगी क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करते हैं। जब वो डॉक्टर से ये बातें कर रहे थे, तब दूर खड़ी जेसन उसकी बातें सुन रही थी और ये सुनकर वो काफी ज्यादा मुस्कुरा रही थी। जेसन को भी बो की फिक्र थी, इसलिए वो उससे मिलकर उसका हाल चाल पूछती है। इससे बो को बेहद अच्छा लग रहा था। अब अगली सुबह काम करते करते बो के हाथों में चोट लग जाती है और जेसन उसकी चोट पर पट्टी करने के लिए उसके पास पहुंचती है, लेकिन जेसन के आते ही वो नील डाउन होकर उसके आगे फूल बढ़ा देता है। वो ये फूल देखकर कहने लगता है कि इस फूल का अर्थ है जिस भी इंसान को ये फूल दिया जा रहा है उस इंसान से अब बेहद प्यार करते हैं। जेसन मुस्कुराते हुए बो का फूल लेकर वहाँ से चली जाती है। वहीं अगले दिन जेसन नोटिस करती है बो ने उसकी सबसे पसंदीदा फूल ऑर्किड फील्ड में लगा रखी है। जेसन इस बात से बेहद खुश थी। ठीक तभी बो उसके पास आकर उससे कहता है, जानती हो मेरे हिसाब से ऑर्किड फूल का क्या अर्थ होता है? ऑर्किड फूल ये दर्शाता है कि जिस इंसान से आप प्यार करते हो वो आपके प्यार के बारे में जानता जरूर है, लेकिन अब तक उसने ये प्यार एक्सेप्ट नहीं किया है। ये सुनते ही जेसन शर्माते हुए ऑर्किड का फूल तोड़कर वहां से चली जाती है। दोस्तों, दोनों की लव स्टोरी काफी अच्छी चल रही थी। अब कुछ देर बाद मैथोस बो से पूछता है कि जेसन तुम्हारे लिए सही लड़की है, ऐसा तुम्हें कैसे मालूम चला? बो कहता है, पिछले 10 सालों से मैं अपने सपनों में एक लड़की को देखता आ रहा हूँ। वो लड़की जेसन की तरह ही दिखती है। इस दौरान जेसन बो के लिए खाना लेकर आई थी, लेकिन बो के सपने के बारे में जानकर जेसन को बहुत बुरा लगता है। बो के सपने के बारे में जानने के बाद से जेसन को यही लगने लगता है कि बो उससे सिर्फ इसलिए प्यार करता है क्योंकि वो उसके सपने में आया करती थी। इसके पास उसके अलावा और कोई वजह है ही नहीं जिस वजह से वो जेसन से प्यार करे। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब शाम के समय वो मैथोस से टिप्स लेकर जेसन को प्रपोज करता है, लेकिन जेसन उसकी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती है और वो कहती है, शायद मैं उसकी जैसी दिखती हूँ इसलिए तुम मुझे चाहते हो, वरना तुम मुझे पूछते तक नहीं, है ना? ये कहकर जेसन वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह वो अपनी जहाज बनाकर राजा को डेमो दिखाता है। उसके बाद भी राजा जहाज खरीदने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं, हमारे पास वो जैसा आदमी है जिसे जहाज बनाना तो आता है, फिर क्यों हमें मिस्टर हंटर के पास से जहाज खरीदने की जरूरत है? अब रात के समय वो उदास होकर बैठा हुआ था क्योंकि राजा ने अब भी जहाज खरीदने की परमिशन नहीं दी थी। एकदम से वो नोटिस करता है राजा के महल से ब्रिटिश सिपाही काफी कुछ चुरा कर ले जा रहे हैं। ये देख वो फौरन जेसन के पास आकर उसे ये बातें बताता है। साथ ही वो उसे डायरी के माध्यम से प्रेजेंट के बारे में जानने की बात भी करता है, लेकिन डायरी के बॉक्स में डायरी नहीं थी बल्कि एक आदमी उसे चुरा कर ले जा रहा था। वो फौरन उसे पकड़ कर मारने लगता है और हम देखते हैं कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि मैथोस था। अब मैथोस कहता है कि तुम्हारे राजा कभी भी इस जहाज को नहीं खरीदेंगे और इसकी वजह जानने के लिए मैं डायरी चुरा रहा था। अब मैथोस वो डायरी पढ़ने लगता है। डायरी में लिखा था, मिस्टर हंटर बेचने के लिए शहर में जो जहाज लेकर आए हैं, राजा इस जहाज को वेतनम के हाथों सौंप देंगे क्योंकि कोई इस काम के लिए उनके कान भर रहा है। ये कोई आदमी है जो उनके काफी करीब है। इसके बाद वो डायरी में ऐसा कुछ पढ़ता है जो वो सबके सामने नहीं पढ़ सकेगा। एकदम से बादलों की गर्जन से जेसन बो को गले लगा लेती है और इस बीच मैथोस डायरी से कुछ पन्ने फाड़ कर अपने पास रख लेता है। वो उन दोनों से कहता है कि इसके बाद की बातें डायरी में नहीं लिखी है। कुछ देर बाद वो अपने मामा के साथ वहां जाता है जहां से कुछ बक्से ब्रिटिश सिपाही चुरा रहे थे। वो दोनों कमरे में काफी सारे बक्से देखते हैं। वो समझ चुका था मिस्टर हंटर राजा के साथ मिलकर बड़ा कुछ करने वाले हैं, इसलिए वो अपने मामा जी को पहले से ही आगाह करके रखता है। दूसरी तरफ मैथोस मिस्टर हंटर पर नजर रख रहा था, लेकिन हंटर उसे पकड़ लेता है और फिर मैथोस मिस्टर हंटर को बताता है कि वो टाइम ट्रैवल करके यहाँ आया है।
मैथोस मिस्टर हंटर को अपनी पिस्टल देकर राजा का साथ देने से मना करता है, लेकिन मिस्टर हंटर का कहना था कि वो जल्द ही बड़े मिनिस्टर बन जाएंगे क्योंकि वो जहाज खरीदने में राजा की मदद कर रहे हैं। मैथोस ने अब तक टाइम ट्रैवल की बात किसी को भी नहीं बताई थी, साथ ही वो अपने मालिक मिस्टर हंटर पर नजर रख रहा था, इसलिए हंटर उसे कमरे में बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। मैथोस चिल्लाकर मिस्टर हंटर को समझाता है, कल सूर्य ग्रहण होगा और मुझे अब घर जाना है, लेकिन हंटर तब तक वहाँ से जा चुका था। अगली सुबह मैथोस को वो कमरे से रिहा करता है। मैथोस उसे बताता है कि कल मैंने डायरी के कुछ पन्ने फाड़ दिए थे। उन पन्नों पर लिखा था कि मिस्टर हंटर राजा के साथ मिले हुए हैं और वो राजा की मदद से शहर को तबाह करना चाहते हैं। हंटर और राजा के आदमियों द्वारा शहर में कैनोन से ब्लास्ट करवाया जाएगा, जिससे शहर और शहर के लोग तबाह हो जाएंगे, खास करके वो लोग जो इस शहर का भला चाहते हैं। डायरी के मुताबिक ये घटना आज ही घटेगी। ये जानने के बाद वो फौरन जहाज की ओर भागता है। वो देखता है कि मिस्टर हंटर के आदमी जहाज में गोला बारूद भर रहे हैं। दूसरी तरफ मैथोस जेसन को मिस्टर हंटर के बारे में सारी खबरें देता है। जेसन फौरन अपने पिता को ये सारी बातें बताने के लिए भागती है क्योंकि उन्हें अपने शहर को बचाना होगा। वहीं सूर्य ग्रहण होने से पहले जेसन का बनाया हुआ तोहफा जेसन की दोस्त हड़बड़ी में मैथोस को देती है, क्योंकि हो सकता है आज ही वो यहाँ से चला जाए और अपने समय में वापस लौट जाए, क्योंकि आज सूर्य ग्रहण होने वाला है। वो जहाज के पास बैठकर मिस्टर हंटर की हरकतें देख रहा था। इस दौरान वो हंटर के आदमी का गेटअप लेकर जहाज में चढ़ जाता है। अब तक जेसन भी जहाज में पहुंच चुकी थी। जेसन हंटर को अपने बुरे कारनामे करने से मना करती है, लेकिन हंटर उसे कहने लगता है, तुम जो कुछ भी सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सारे कैनन बुरे काम के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। इन्हें तो सेक्रेटरी के जन्मदिन के लिए आसमान में सेलिब्रेट करने के लिए ले जाया जा रहा है। मौके का फायदा उठाकर वो हंटर को दरी में भरकर अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन राजा के आदमी सभी को पकड़कर बंदी बना लेते हैं। कुछ देर बाद ये सभी कैनोन से ब्लास्ट करने की तैयारी करते हैं, लेकिन कैनोन को आकाश की तरफ ना देकर शहर की ओर ताना गया था। हंटर उन सभी को रोककर पूछता है कि तुम सभी शहर की ओर बॉम्ब फेंकना चाहते हो क्या। ये सुनते ही राजा का सेक्रेटरी अपने आदमियों से कहकर हंटर को बंदी बना लेता है, और फिर हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि मिस्टर हंटर सिर्फ राजा की मदद करना चाहते थे, लेकिन राजा का सेक्रेटरी ही मेन विलन है और उसने राजा का ब्रेन वॉश करके जहाज खरीदने से उन्हें मना किया था। साथ ही हंटर को शहर ब्लास्ट करवाने के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बल्कि ये सब कुछ सेक्रेटरी की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो शहर पर कब्जा करना चाहता है। वो और जेसन के पिता ने सेक्रेटरी से जहाज को खरीदने में मदद मांगी थी। उसने कभी भी उनकी मदद नहीं की थी, बल्कि वो तो अपने प्लानिंग के अनुसार काम कर रहा था। साथ ही डायरी में जिस आदमी के बारे में लिखा हुआ था, वो आदमी और कोई नहीं बल्कि सेक्रेटरी है, जो अब तक राजा का ब्रेन वॉश कर रहा था। असल में राजा का सेक्रेटरी वियतनाम राजा और उनके लोगों के साथ मिलकर अपने शहर को तबाह करना चाहता था, और इसी वजह से वो ऐसे कांड कर रहा है। इसके अलावा वियतनाम के सेनापति कैनोन से ब्लास्ट करने की कोशिश में लगे थे, लेकिन सही समय पर वो सेनापति को रोककर कैनोन का मुंह दूसरी तरफ घुमा देता है। साथ ही वो के मामा जी छिपकर अपने जादू की मदद से सेनापति के आदमी को कैनोन में आग लगाने से पहले ही आग बुझा दे रहे थे, जिसकी वजह से वो लोग अपने मकसद में असफल रह जाते हैं। इधर जेसन मैथोस और वो मिलकर वियतनाम सेनापति को रोकने की बेहद कोशिश कर रहे थे, इसलिए गुस्से में सेनापति जेसन पर बंदूक तान देता है। ठीक तभी सूर्य ग्रहण लग जाता है और मैथोस का पिस्टल खुद ब खुद प्रकाश देने लगता है। जेसन फौरन मैथोस की पिस्टल लेकर सेनापति की ओर तान देती है, लेकिन मैथोस उसे गोली चलाने से मना करता है, क्योंकि गोली चलाते ही वो टाइम ट्रैवल करके दूसरे युग में चली जाएगी। ठीक तभी वो जेसन को कस के पकड़कर कहता है, तुम फायर करो क्योंकि अब मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ये कहकर जेसन और वो मिलकर सेनापति पर फायर कर देते हैं, जिसके बाद सेनापति को गोली लग जाती है और ये दोनों न्यूटन की तीसरे लॉ के अनुसार पानी में गिर जाते हैं। टाइम ट्रैवल करके जेसन और 100 साल पीछे आ गई थी। जेसन देखती है कि लेडी काराकेट और कोई नहीं बल्कि वो खुद ही है।
साथ ही लेडी काराकेट के ठीक सामने एक डायरी रखी हुई है। ये डायरी वही है जिसे अब तक वो और उसके दोस्त पढ़ते आ रहे थे और इस जन्म में उसकी मृत्यु के बाद उसका पुनर्जन्म जेसन के रूप में हुआ था। अब समय प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। वो जैसे तैसे जेसन को पानी से बाहर निकालता है। उसकी सांसें थमी हुई थी, इसलिए मैथोस उसे CPR देने की कोशिश करता है, लेकिन जेलसी के चलते वो फौरन उसे हटाकर खुद ही जेसन को CPR देकर जीवित कर देता है। जेसन होश में आते ही वो को देखकर रोने लगती है, क्योंकि वो कुछ पलों के लिए अपने पिछले जन्म से घूम कर आई है और इस वजह से वो सब कुछ जान चुकी है कि पिछले जन्म में वो बो से बेहद प्यार करती थी, साथ ही बो भी उसे बेहद प्यार करता था। इसलिए बो के पुनर्जन्म के बाद वो लेडी काराकेट को अपने सपने में देखा करता था, जो कि उसके पिछले जन्म का प्यार है। दूसरी तरफ राजा को अपने महल के सेक्रेटरी और वियतनाम के प्लानिंग के बारे में पता चलता है। साथ ही इस दौरान भो के मामा जी शहर के सबसे बड़े दुश्मन को खत्म करने के लिए अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से सेक्रेटरी की मौत हो जाती है। सब कुछ अब ठीक हो चुका था। कुछ देर बाद वो माथो से माफी मांगता है, क्योंकि इस हाथापाई के चलते उसने उसकी पिस्तौल कहीं घुमा दी है। लेकिन इस बात से मैथोस को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो बहुत खुश था, क्योंकि उसके और उसके पिस्टल की वजह से उसने किसी की मदद करी। साथ ही ये सब कुछ किस्मत का कमाल है। इसके अलावा हंटर शहर छोड़कर जा रहे थे, लेकिन जाने से पहले वो मैथोस के लिए एक गन और टोपी रखकर जाते हैं, जिसका बक्सा देखने के बाद मैथोस समझ पाते हैं कि अब तक वो जिसे अपने दादाजी समझ रहे थे, असल में वो इंसान वो खुद ही है और फिलहाल अपने पुनर्जन्म की वजह से वो ये सब कुछ दोबारा से जी रहे हैं। इसके अलावा मैथोस के सामने खड़ी उसकी केयर टेकर ही उसकी बीवी बनेगी और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, यही थी आज की हमारी एक अमेजिंग मूवी की एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, ये मूवी आप सभी को कैसी लगी और इस मूवी को देखने के बाद आप सभी के राय क्या है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आप सभी से हमारी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।